बरसों तक फरार आरोपी को पकड़ने में नाकाम पुलिस किस तरह अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किस तरह किसी निर्दोष को जेल भेज देती है, तो किस तरह वहाँ की नाकाम पुलिस का गहरा षड्यंत्र उजागर होता है, वो आज की व्यवस्था तंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला खरगोन जिले के बड़वाह में सामने आया है, जब बुरहानपुर पुलिस ने 22 साल से फरार आरोपी की जगह न केवल दूसरे निर अपराध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया बल्कि 81 दिन तक उसे जेल में भी रखा। पीड़ित की पत्नी की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट ने आखिर ये माना कि पुलिस द्वारा गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब पीड़ित ने 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है। पुलिस उसे 22 वर्षों तक खोजती रही लेकिन आरोपी नहीं मिला। विगत 8 मई 2019 को बुरहानपुर पुलिस ने जबरन कॉलोनी मौलाना आजाद मार्ग बड़वा के ही हमनाम निरपराध मयाराम सीताराम वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में मुख्य आरोपी बनाकर पेश कर दिया था। वहीं उच्च न्यायालय ने भी निर्दोष मयाराम के पक्ष में फैसला सुनते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 17 सितंबर की तारीख तक जवाब पेश करने को कहा है। कुल मिलाकर इस प्रकरण ने इस बात को साबित कर दिया कि किस तरह बुरहानपुर पुलिस ने एक निर्दोष को मुख्य अपराधी को खोजने में नाकामी के चलते जेल भेज दिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैं मायाराम पिता सीताराम हूँ, जाति कहार हूँ, निवासी जबरन कॉलोनी रहता हूँ और पुलिस जिस व्यक्ति को ढूंढ रही थी वो मायाराम पिता सीताराम है, जाति तंवर है, निवासी दशरा मैदान है और पुलिस मेरे को ले गई है गलत आदमी को। मैंने पुलिस से बोला कि श्रीमान जी मैं व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे बुरहानपुर थाने पे ले गई और मुझे चार लट मारे और मुझे से बोला कि तुम बोल दो कि तुम मायाराम तंवर हो, निवासी दशरा मैदान हो और हम तुमको छुड़वा देंगे। तो मैंने बोला मुझे वो व्यक्ति नहीं, मैं क्यों बोलूँ साहब। फिर मेरे को दूसरे दिन 9 तारीख के दिन मेरे को न्यायालय में पेश करा, न्यायालय को बोला, न्यायालय ने सुना नहीं, मुझे जेल वारंट फाड़ के जेल भेज दिया। फिर हमने एक वकील करा, वो वकील ने भी कोई हमारी पैरवी नहीं करी। फिर हमारे बड़वा के जग्गा जो तिवारी है हमसे मिले, हमारे परिवार के जन, फिर उन्होंने जबलपुर के जन के है वकील, उनसे संपर्क साधा, फिर उन वकीलों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई और हमको जबलपुर न्यायालय से न्याय मिला है कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी जेल में जांच हुई, मेरी न्यायालय में दो दो जगह जांच हुई, सेशन ने करी, लवर ने करी, मैं व्यक्ति हूँ। मेरे हाथ पे लिखा हुआ था मायाराम पिता सीताराम बोस के चोर के, मेरे शरीर पे कुछ ऐसा है नहीं, उंगलियाँ बाकी तिरछी कुछ छुपली हुई थी वो मेरे को है नहीं, नाक पे तिल है वो मेरे को है नहीं। आपका आप क्या कहना है कोर्ट में, आपने क्या मांग करी है? जो मेरा नुकसान हुआ, मेरा फल फ्रूट का थोक बिजनेस है मेरा, 8-10 लाख का मेरा गोडाउन में माल सड़ गया और 1.5 लाख रुपये जो मेरे को खर्चा आया और भाई 10-5 लाख का मेरे जो कमाई का सीजन था वो गया। मैं सरकार से ये दुआर करूँगा कि मुझे इसका मुआवजा दिया जाए। हाँ, बुरहानपुर कोर्ट थाने पे एक बकरी चोरी का मामला पंजीबद्ध हुआ था जिसमें मायाराम सीताराम तंवर को आरोपी बना के और जमानत उसकी तरही थी, वो भाग गया कोर्ट से। कोर्ट से भागने के बाद करीब 25 साल बाद बड़वा पुलिस ही, बुरहानपुर पुलिस ही बड़वा, और उसने मायाराम सीताराम वर्मा को, निवासी मौलाना आजाद मार्ग को गिरफ्तार कर लिया। अपन ने ये बात ट्रायल कोर्ट में बोली कि ये वो व्यक्ति नहीं है, ट्रायल कोर्ट ने नहीं मानी। एडीजे कोर्ट में अपन ने आवेदन लगाया जमानत का और ये बात बोली कि भैया ये व्यक्ति वो नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं मानी। फिर अपन हाईकोर्ट गए, अपन ने जबलपुर हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगी, वहाँ पर फिर उन्होंने साहब ने आदेश करा कि 1 महीने में डीजे बुरहानपुर जाँच रिपोर्ट पेश करें। तो 17 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट पेश करी कि ये वो व्यक्ति नहीं है, इसकी सज़ा मूल व्यक्ति की सज़ा निरअपराध को मिली। तो साहब ने जो है, जो महेश्वरी जी हैं डबल बेंच थी वहाँ पे, उन्होंने 17 तारीख 17 नवंबर को जो है वो इसके लिए लगाया है कि इस पर आर्ग्यूमेंट और इनने जो 20 लाख का हमने जो मुआवजे की मांग करी है कि ये करीब 81-90 दिन जो है अंदर रहा, तो इसके मुआवजे की हमने मांग की है। तो मुआवजा मिला, स्वीकृत किया गया कि नहीं किया गया? नहीं, अभी इसकी डेट लगी हुई है। अच्छा, जो गवर्नमेंट एडवोकेट है वो इसके ऊपर बहस करेगा 17 तारीख को। अब बात आ गई है कि मुआवजा क्या मिलना चाहिए, कि ये तो हो गई, ये जो जांच है ये डीजे साहब की बुरहानपुर के, उनकी ये आ गई है कि ये वो व्यक्ति नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे